सिंह ने तो बोले महाराज आपने तो कुछ बताया नहीं, आप तो जाने लगे। नारद भागे वहां से भगवान के नजदीक कि छोड़ी करी हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रहे। बड़े हैरान है, सोच रहे क्या करें। विष्णु भगवान के नजदीक को भागते हुए जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में झटका लगा। नारद खड़े हो गए, एक बात सोची है, अगर हम अपनी तरफ से भागते चले गए तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगेगा, और इधर वो लड़की कहीं दूसरे के गर्दन में जयमाला न डाल दे, मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम भगवान को बुला रहे हैं और भगवान अति शीघ्र हमारे पास में आ जाएंगे। नारद खड़े हो गए, भगवान को बुलाने लगे। कि बहु पीति पीनाए कीन तो ही काला, आवाज लगाई है तो भगवान भाग करके सामने पहुंच गए। कहो नारद, तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, आज हमारी क्या जरूरत पड़ेगी, बोलो। नारद बोले, प्रभु अब ये बातें छोड़ दीजिए ना, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। तो कहिए हमें काहे को बुलाया। इससे नारद कहते हैं, प्रभु ऐसा करो, आप अपना हमें रूप दे दो। और नारद ने हर रूप मांगा, हर तो हर विष्णु भगवान को कहते हैं, हर बंदर को भी कहा जाता है। भगवान ने अपना रूप तो दे दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद अपने शरीर की तरफ देख देख के बड़े खुश होते, हमसे सुंदर और कोई दुनिया पे है। रंग भूमि में जाएंगे, वो लड़की मुझे देखेगी, देखते ही मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। भागे नारद, भोले बाबा ने इनके पीछे दो गढ़ लगा दिए, काय ने देखते रहना है। अब दोनों गढ़ जो रहे, नारद की चेहरा की तरफ देख के पीछे को मौकर के हंस लेते हैं, लेकिन बताया नहीं। हाँ, नारद भागते जा रहे हैं, खड़े हो गए, शरीर की तरफ देखा, खूब हंसे, फिर भाट ठाड़े भाई, बड़े खुश हैं। ये कुछ पुरस्कार आए हमारे पास में, 101 रुपए सत्यजीत राजपूत जो विजय विद्रोही कोल्ड स्टोर इंजीनियर, इनकी तरफ से।